नमस्कार, मेरा नाम है निखिल। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। अभी हम मौजूद हैं यहाँ पर, भारतीय जन परिवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ हैं पृथ्वी कुमार माली जी। सर से बात करते हैं। सर, भारतीय जन परिवार पार्टी का गठन हुआ है, इसकी क्या प्राथमिकता रहेगी? इसकी प्रथम प्राथमिकता रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य। सर, पार्टी का गठन किया है आपने, कितनी इकाइयाँ हैं, क्या कुछ है? नहीं, बहुत सारे हमने पदाधिकारी बने, लाखों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। आप देखिए, आप खुद भींग के आए हैं तो कुछ तो होगा पार्टी के, तो ही तो भींग के आए हैं आपने। बारिश में आए हैं, हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं, और आप पता होगा, ठीक है, कई हमने जिला पे भी बनाए हैं अध्यक्ष, प्रखंड पे भी है, कई आदमी जुड़ रहे हैं, पंचायत पे भी हमने किया, वार्ड तक हमने घुसे हैं। हम मतलब जमीनी स्तर पर काम करना चाहते हैं, जमीनी स्तर पर। कई नेता आते हैं, पार्टी का बनाते हैं, और फिर एक क्या है कि बिहार में कुछ बड़ी पार्टियां हैं, उसके तले रह के दब के रह जाते हैं। क्या आप किसी बड़ी पार्टी से गठबंधन करेंगे या समझौता करने के लिए तैयार हैं, या आपका मुद्दा अलग रहेगा? भारतीय जन परिवार पार्टी जनता का पार्टी है, न किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पार्टी है, न किसी आदमी का पार्टी, यह जनता का पार्टी है। जनता डिसीजन करता है, इसमें हम डिसीजन नहीं कर सकते। हम सिर्फ इसका जनते जो हमें कहेंगे उसके हिसाब से हम चलने वाले हैं, और आगे वाले दिनों में हम उसकी विचारधारा पर चलेंगे जो जनता का साथ है। पृथ्वी जी, आप एक युवा हैं, और बिहार में भी युवाओं को लेकर के खासा बातचीत होती है, कई युवा नेता भी अब सामने आ रहे हैं, तो युवाओं को लेकर के आपकी पार्टी किस प्रकार सोचती है? देखिए, युवाओं की प्राथमिकता मेरे पार्टी में सबसे पहले है, क्योंकि युवा ही मतलब राज्य को और देश को आगे ले जा सकते हैं, और मतलब हम इसमें उनको ज़्यादा योगदान देने की बात की है। दूसरी बात आती है, अगर शिक्षा की बात की जाए तो बिहार प्रदेश शिक्षा के मामले में कहीं ना कहीं, आज भी एक समय था जब बिहार शिक्षा के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज कहीं ना कहीं वो छवि धूमिल होती दिखाई दे रही है। इसको लेकर के भारतीय जन परिवार पार्टी किस तरीके से? देखिए, सबसे पहले हमें नीचे स्तर पर काम करना पड़ेगा, टीचर की व्यवस्था सही करने पर। आज भी आप देखिए, कई पार्टी के लोग कहते हैं, हम किसी का नाम लेना चाहते हैं, कि क ख का ज्ञान नहीं है, और टीचर को तो ABCD का ज्ञान नहीं है, उसको बहाली कर दी है आपने। पहले टीचर सही होंगे, तब स्टूडेंट सही होंगे, तब आगे शिक्षा की नीति जो है आगे जाएगी। आगामी 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव है, क्या वहाँ पे भारतीय जन परिवार पार्टी अपने उम्मीदवार को उतारने वाली है? जी, एक तारापुर से है, एक कुशेश्वर से। कुशेश्वर तो मेरा घर ही पड़ता है, ठीक है, कुशेश्वर से भी हमने आज अपने कैंडिडेट उतारने का फैसला किए हैं भारतीय जन परिवार पार्टी, और तारापुर से भी हम अपना पार्टी को उतारने का फैसला किए हैं। अगर बात की जाए पृथ्वी जी की पंचायत चुनाव बिहार प्रदेश में चल रहा है, पंचायत चुनाव को लेकर के आपकी पार्टी की क्या रणनीति है? हम युवाओं को कहना चाहते हैं बिहार के, कि आप उसमें आके बढ़ चढ़ के भाग लें, क्योंकि आप आगे आइएगा तब गाँव आगे बढ़ेगा, जिला आगे बढ़ेगा, बिहार आगे बढ़ेगा, मेरा देश आगे बढ़ेगा। तो एक मोटा मोटी अगर बात की जाए कि रोजगार, शिक्षा और युवाओं को मद्देनज़र रखते हुए आप लोग काम करने वाले हैं, महिलाओं को लेकर के? जी, महिलाएं मतलब हम कह रहे हैं उनके बारे में, महिला के बारे में, कि आप सशक्तिकरण बनिए, आगे जो हैं सो आके आप साथ दीजिए, बढ़ चढ़ के साथ दीजिए, और आगे आप बढ़ने का काम कीजिए। पार्टी के गठन की बात की जाए तो जिला स्तर पर सभी जगह पर गठन हो चुका है जी, 38 के 38 जिला में मैंने मतलब अध्यक्ष बना दिया हूँ, उसके बाद जो है सो प्रखंड अध्यक्ष भी बनाया हूँ, और सदस्यता भी लाखों की संख्या में सदस्यता बन रहे हैं, और मुझे ज़्यादा जो है रिस्पांस, जनता का प्यार और मुझे ज़्यादा मिल रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि 1 महीने ही हुए हैं, और 1 महीने में आप लोग जब भींग के आ सकते हैं तो आप लोग समझ सकते हैं कि क्या इसका रिस्पांस आ रहा है जनता के द्वारा। तो कुल मिलाकर के ये पृथ्वी कुमार माली जी थे जिन्होंने अपनी पार्टी का विस्तार करने की बात की। उन्होंने कहा कि हम जनता के लिए काम करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, युवाओं की बात करेंगे, महिलाओं की बात करेंगे, साथ ही साथ जो शिक्षा बिहार से अब थोड़ा सा हटते नज़र आ रहा है उस पर जोर दिया है। इन्होंने युवाओं की पार्टी है, इसको लेकर के हमने पृथ्वी कुमार माली जी से बात की, इनको अग्रिम भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं। देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।